नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुख करते हैं आगे के तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के अमरोहा जिले से आ रही है। यूपी के अमरोहा जिले के थाना आदमपुर के अंतर्गत ग्राम औगारपुर निवासी श्री सुखपाल सिंह के मंझले पुत्र सुमित कुमार 27 वर्ष का था। 3 अगस्त दिन सोमवार को लगभग सुबह तड़के 6:30 बजे परिवार के बुजुर्ग सोनाथ सिंह को अंतिम संस्कार के लिए पौरारा गंगा घाट ले जाते हुए अचानक आगे आए पशु कटरा से मोटरसाइकिल से जा रहे सुमित और भोला का जोरदार भिड़ंत हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा भोला नाम का व्यक्ति घायल हो गया और जो सुमित नाम का व्यक्ति बाइक चला रहा था उसे गंभीर चोटें आईं। आनन फानन में परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन सुमित की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने मुरादाबाद रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर मुरादाबाद के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सुमित कुमार की लगभग 15 माह पहले शादी हुई थी, जिसके फलस्वरूप उसकी 3 माह की एक बेटी भी है। जी हां, आप सभी को अवगत करा दें कि गत दिवस रविवार के दिन लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे सोनाथ सिंह का देहांत हो गया था, लेकिन समय का अभाव होने के कारण उनको रात्रि में अंतिम संस्कार के लिए न ले जाकर सुबह ले जाया गया। और उनके अंतिम संस्कार में कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो उसी समय जाते वक्त एक मोड़ पर अचानक एक पशु कटरा सामने आ गया और उसकी मोटरसाइकिल का जोरदार तरीके से भिड़ंत हो गया। कभी कभी कुदरत का कहर मनुष्य पर इतना भारी पड़ता है कि हृदय को झकझोर कर रख देता है। जहां ऐसी ही एक घटना आपको बताते चले कि सभी गाँव वाले रक्षाबंधन पर्व की तैयारी में जुटे थे कि तभी अचानक दर्दनाक हादसे की खबर गांव तक पहुंचती है और जरा सी देर में गांव का खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। रोने चीखने की आवाजें सुनकर देखते ही देखते पूरे गांव में भीड़ सुमित कुमार को देखने के लिए एकत्रित हो जाती है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया तथा गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। सभी पारिवारिक सदस्य रिश्तेदारों एवं सगे संबंधियों के अंतिम दर्शनों के उपरांत देर शाम अनूप शहर के पवित्र गंगा घाट पर पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। आइए दिखाते हैं अमरोहा से धर्मचंद की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मिदनापुर जिला से आ रही है, जहां खड़गपुर शहर के ट्रैफिक उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदा में एडमिशन प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां इस बाबत कुछ पत्रकार मौके पर पहुंचे तो पाए कि पश्चिम बंगाल काउंसिल का मार्कशीट वितरण के अलावा एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही थी। पत्रकारों को देखकर स्कूल प्रशासन सतर्क हो गया और इसी बीच 12वीं पास की एक छात्रा अल्ताफ उर्फ आकाश भीड़ से निकलकर पत्रकारों से अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए धक्का मुक्की भी करने लगा। हेडमास्टर तापस मायती ने कहा कि ये लड़का इसी स्कूल के एक मास्टर के साथ भी ऐसा ही कर चुका है। यह मामला पुलिस तक चला गया था। माफी मांगने पर इस घटना को रफा दफा भी कर दिया गया था। ज्ञातव्य हो कि खड़गपुर में कोरोना महामारी बनकर तांडव कर रहा है। औसतन 10 व्यक्ति प्रत्येक दिन कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और इस घटना से जहां पत्रकारों में रोष है तो वहीं शिक्षक भी नाराज आए। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ट्वेल्थ का एडमिशन चल रहा है और यहां पे ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार खास करके बार बार बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके आप लोग उसको मेंटेन कीजिए, लेकिन प्रिंसिपल उनके अन्य कर्मचारी लोग यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ये नहीं किए हैं। सब भीड़ में बिना मास्क पहने हुए भी उन लोगों यहाँ पर खड़े हैं और भीड़ को बना के रखे हैं। यहाँ भी ज़रा हम फोटो दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ ये है ना, आप लोग जमीन में ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ये रखा हुआ है। अरे
पंजाब के जिला फिरोजपुर के थाना जीरा के गादड़ी वाला में जो एक लड़की का 17 जुलाई को कत्ल हुआ था, दोषी वहां से फरार हो गया था, वह पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया है। एसएचओ जितेंद्र सिंह थाना सिटी जीरा ने प्रेस को क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं पंजाब से गुरलाल सिंह वरोला किस रिपोर्ट द्वारा। जिहड़ा पिछे लड़की का कतल होया सी गादड़ी वाले विच ते सिटी जीरा दे विच एसएसओ साडे को मौजूद ने, उन्हां को जानकारी लवांगे। जिहड़ा दोषी हुण इन्हां ने फड़ लिया वा, जिहड़ा कि फरार सी, ते की कारवाई कर रहे उन्हें ते। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सर जिहड़ा दोषी आ तुसीं फड़ लिया हुण, ते तुहाडे वल्लों की कारवाई की जा रही है जी? ਇਹ ਮਿਤੀ 17 ਤਰੀਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰੋਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। यूपी का बरेली जिला मामूली बारिश में ही तालाब में हो गया तब्दील। जी हां, खबर बरेली से है। जिला अस्पताल, एसएसपी हॉस्पिटल, डीएम आवास, एसपी सिटी का आवास सहित सुभाष नगर, हजियापुर सहित शहर के तमाम इलाके पानी पानी हो गए हैं। यह कोई नहीं, हमेशा से ही होता आ रहा है ऐसा। लोग जल भराव से निजात की मांग भी करते आए हैं, मगर कभी ऐसे निपटने की रणनीति तैयार नहीं की जाती, जिससे लोगों को महसूस होने लगा है कि जल भराव से निजात मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह शहर के पॉश इलाकों का हाल है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहल्ले और बस्तियों का क्या हाल होगा। नालों की सफाई न होना जल भराव का एक मुख्य कारण बना हुआ है। शहर के तमाम इलाकों के नाले गायब हो चुके हैं, जो बचे हैं उनमें भी ज्यादातर चौक हो चुके हैं। नालों की कई वर्षों से ठीक ढंग से सफाई नहीं की गई है, जबकि नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बजट हर साल खपा दिया जाता है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की ये रिपोर्ट। मेरा नाम फैसल है। आज शहर में जल भराव की समस्या आ रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शहर में जो जल भराव की समस्या आ रही है, ये हमारे माननीय मेयर साहब को देखना चाहिए कि कोई भी सरकारी ऑफिस ऐसा नहीं बचा है जिसके अंदर जल भराव ना हुआ हो इन बारिशों में। और शहर का मैं कहता हूँ कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जो खुदा ना पड़ा हो। हर तरफ गड्ढे खुदे पड़े हैं, बुरी तरीके से पूरी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। कई एरिया शहर के पूरी तरीके से डूब चुके हैं पानी में। तो इसके ऊपर मेयर साहब को संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के सभासदों को संज्ञान लेना चाहिए कि शहर के अंदर बहुत व्यवस्था ख़राब है, जबकि हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस तरीके से जल भराव होगा तो और बीमारियों के पनपने का भी मौका है। तो इस चीज को फौरन से तत्परता से इसको खत्म करके और जो भी इसके ऊपर कार्य करने का है वो तो। यूपी के जिला बरेली के कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड पर रेडीमेड कपड़ा और चप्पल की फड़ लगाने वाले व्यापारी बेरोजगारी के कारण दाने दाने को मोहताज हैं। आज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ में फड़ व्यापारियों के बच्चों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और शहर विधायक अरुण कुमार से मिलकर अपने अपने परिवार की पीड़ा सुनाते हुए गुहार लगाई। जहां बता दें कि जिला अस्पताल रोड पर तकरीबन 45 सालों से रेडीमेड कपड़ा और चप्पल के फड़ व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे, जो पिछले 1.5 सालों से नगर निगम ने अतिक्रमण के चलते हटा दिया है। तो अध्यक्ष राजेंद्र अरोड़ा ने बताया कि नगर निगम हमको कोई जगह नहीं मुहैया करा रहा, जिसके चलते व्यापारियों के परिवार भूखे मर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि नगर आयुक्त से वार्ता कर जिला पंचायत रोड पर फंड लगाने की व्यवस्था की जाएगी। आइए दिखाते हैं बरेली से शाहबाज बेग की पूरी रिपोर्ट। ये फल व्यापारी आज ही नहीं मिले हमसे, ये बहुत समय से मिल रहे हैं। करीब 1.5 साल से ये लोग सब बेचारे परेशान हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने बैठते थे, इन्हें हटा दिया गया। शासन ने एक नीति जारी करी है, फल नीति, जिसमें कि इन्हें स्थानों का आवंटन किया जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणवश इन्हें स्थान का आवंटन नहीं हुआ और परेशान होकर आज ये लोग यहाँ पे आए और मंत्री जी भी आए, डॉक्टर साहब भी बैठे, आपस में बातचीत हुई और इन्हें अभी आश्वासन दिया गया है कि इनको हर सूरत में बैठाया जाएगा। हर सूरत में इन्हें जिला पंचायत के पास बैठाया जाएगा, जिसमें मंत्री जी भी पूरी मदद कर रहे हैं इनकी और विधायक जी भी पूरी मदद कर रहे हैं। अधिकारियों से कहना होगा, वो कल कह दिया जाएगा उनसे। मेरा नाम है राजेंद्र अरोड़ा राजू।
रेडीमेड एवं चप्पल फड़ एसोसिएशन जिला अस्पताल रोड बरेली, जो दीवार के सहारे 42 फर दुकानदार हम फड़ लगाते थे, विगत 1.5 साल से हम हटाए गए हैं और हमारी बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद आज मंत्री जी और विधायक जी ने बैठ के एक जगह डिसाइड करी है जिला पंचायत रोड पर, और वो कह रहे हैं हम अपने सामने खड़े होकर आप लोगों को बिठलाएंगे, कोई भी परेशानी प्रशासनिक परेशानी कोई भी होगी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और संग में हम मेयर साहब को भी बुला लेंगे और हम आपको बिठाएंगे। 42 दुकानदार हैं हम लोग और 1.5 साल से भुखमरी की कगार पर आ गए थे और बुरा हाल 1.5 साल से शासन और प्रशासन के बहुत चक्कर लगाए तो आज जाके ये थोड़ा सा फैसला हुआ है। ये थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।